यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के तेवर बदल गए हैं। अब उनसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने कहा है कि अगर कोई भी बिना अपॉइंटमेंट के सांसद से मिलने पहुंचेगा, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। पत्र में साफ लिखा गया है कि कोई भी कार्यकर्ता को चंद्रशेखर से मिलने के लिए पहले शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेनी होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ की ओर से जारी पत्र में कार्यकर्ताओं को उन्हें सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया गया है। पत्र में लिखा है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए प्रदेश स्तर, मंडल स्तर एवं जिले स्तर के सभी सम्मानित अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा के साथ तन मन धन से सहयोग किया। इसके लिए सभी साथियों का तहे दिल से आभार व धन्यवाद। पत्र में आगे कहा गया है कि नगीना लोकसभा के ऐतिहासिक विजय के बाद देश भर के प्रतिष्ठित व्यक्ति माननीय सांसद जी से मिलने लगातार पहुंच रहे हैं। अतः उत्तर प्रदेश के सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता माननीय सांसद जी से मिलने जाना चाहते हैं, उन्हें अपने शीर्ष नेतृत्व को सूचित कर उनकी अनुमति लेनी होगी। यदि कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता बिना पूर्व सूचना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने जाएंगे तो यह अनुशासनहीनता के श्रेणी में माना जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पत्र के जारी होने के बाद चंद्रशेखर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अलग अलग प्रदेश से मिलने पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि मैं खुद आपसे आकर मिलूंगा, थोड़ा समय दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।